सारे लोग अनपढ़ हैं जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो ना किसी ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सीए में भारत की नागरिकता का उल्लेख कहाँ, वो शब्द बता दें, किसी ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ाई नहीं, 98% लोग पढ़ने के लायक पढ़ाई नहीं, क्षमता भी नहीं रखते। दुष्प्रचार आपका काम आ गया, लोग डर गए, वो पढ़ाने को तैयार नहीं है। जवाब दीजिए। मैं आ गया, सर्वेक्षण आपका अपना है, हम उससे इत्तेफाक इन सब चीज़ों से नहीं रखते, क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में जब जब मोदी जी का ग्राफ नीचे जाता है, मोदी जी के मदद में एक सर्वेक्षण आता है, बताया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, 50%, 40%, 48%, तो इसलिए हम उस पर बहस नहीं करते। इन्हीं की बात से शुरुआत करते हैं जो आपने पूछा। इन्होंने सही कहा, किसी के समझ में नहीं आता, जनता के समझ में आता है, इनके मंत्रिमंडल के साथियों को समझ में नहीं आता अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लगाए जितने मंत्री का नाम गिन लीजिए आप, जितने ने भी बोला है, सब एक दूसरे को कंट्रोवर्सियल बोला है और अगेंस्ट बोला है। क्या बोला है इनको अभी खुद भी नहीं पता कि फैक्ट में है क्या, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मंच से मोदी जी ने कहा कि आज तक बहस ही नहीं हुई, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में क्या बोला, शाह जी ने क्या बोला, राष्ट्रपति ने क्या बोला, इनके जावड़ेकर जी ने क्या बोला, इनके लॉ मिनिस्टर ने क्या बोला, ये खुद पहले डिसाइड कर लें कि ये सब है क्या, एग्जैक्ट बतावेंगे, क्योंकि इनके इनकी बात से मैं सहमत हूँ पार्सली कि हाँ, इनके मंत्रिमंडल के साथियों को ही नहीं पता कि ये क्या है, जनता को पता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो नागरिकता बिल आए हैं, ये क्या इसके पहले हिंदुस्तान में किसी को नागरिकता देने का रिवाज या परंपरा या संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी क्या, है ना, दी गई है ना, आपको पता होगा। हाँ। थी व्यवस्था, दी भी गई है, ऐसा भी नहीं कि व्यवस्था नहीं थी संविधान में, और अभी भी दी जा रही है। हाँ। ये बिल लाए किस लिए थे, क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है, वो जो आपने बताया ना कि भटकाना अटकाना लटकाना तमाम इधर उधर, तो ये खुद ही स्पष्ट नहीं है। अपने लोगों को कम से कम यही लोग जान समझ लें, दूसरों को मूर्ख बताने के पहले एक काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए उनके पहले बिंदु पर, क्योंकि सर्वेक्षण पर सवाल खड़ा किया इसीलिए पूछ रही हूँ। सर्वेक्षण तो खैर चैनल करते हैं, रिजल्ट तो देश की जनता देती है सर, कांग्रेस कौन सी गहरी नींद में है, वो भी क्या ऐसे ही आ जाता है, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। हम पहले सर्वेक्षण करने वालों की हिम्मत की दाद देंगे कि हर बार मुंह की काटते हैं फिर भी झाड़ के खड़े होके आके बताते हैं सब अच्छा है। किसने कहा? अरे हर चुनाव में यही हुआ। कैसी बात? दूसरी एक मिनट, अरे रुक जाइए भाई मेरे, अभी इन्होंने कहा कि जनता देती है। अभी 6 महीना पहले हिंदुस्तान के 73% भू भाग पे बीजेपी की हुकूमत थी ना, जनता ने दी थी, जो आपका सवाल उसका जवाब दे रहा हूँ। आज 37% पे सिमट गए हैं। आज तक का हर सर्वे से निकला या नहीं निकला आप बताइए। हम देखिए, हम किसी महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, आपका राजस्थान हो, एक दो सर्वे जो बोला वही आया। देखिए अब आप अपने पे आ जाएंगे फिर अपने पे उस पे आ जाएंगे तो कई उसके मिलेगी। तो ये जो आपने जनता की बात की वो मैंने दिखाया कि किस तरह से बीजेपी सिमटती जा रही है, राज्य फिसल रहे हैं, किस अखिलेश जी ईवीएम सही काम कर रही है ना, ईवीएम सही है ना, इसीलिए कह रहे हैं ईवीएम पे शंकाएं तो है ही है, ईवीएम पे शंकाएं तो है ही है, नहीं अभी भी शंकाएं हैं, अभी भी शंकाएं हैं, अभी भी ईवीएम पे शंकाएं। क्या आप कह सकते हैं ईवीएम पे सबसे पहले कोर्ट कौन गया था, आपत्ति कौन उठाया था, मोदी जी उठाए थे, कोर्ट कौन गया था, सही है आपने कह दिया। अब अखिलेश जी का जो सवाल था उस पर आते हैं, एनआरसी से जो परेशानी आपको असम में हुई, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि सीए में सिटीजनशिप एक्ट के कौन से क्लॉज में संशोधन किया गया है और कौन सब क्लॉज में, आप में से कितने लोगों को पता है, आपको पता, आप बताइए कौन से क्लॉज में किया गया, ये आपके मंत्री, आप बताइए बताइए बताइए, सुनिए सिटीजनशिप एक्ट के कौन से क्लॉज में परिवर्तन करके सीए आया है, ये आपके मंत्रियों को भी नहीं पता है। सुनिए जना, कितना अद्भुत ज्ञान है, रखे हो सब लेकर, अरे रखे पढ़े, बताइए ना कौन से क्लॉज में परिवर्तन हुआ है।